तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th आरबीएससी का चैप्टर नंबर 9 द स्टार। देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं पहले, लेट्स सी द क्वेश्चंस। चिल्ड्रन डू यू रिमेंबर नर्सरी राइम्स, बच्चों क्या आपको वो जो नर्सरी में आपने कविताएं पढ़ी थी, राइम्स पढ़ी थी, पोएम्स पढ़ी थी, क्या वो अभी भी आपको याद है? विच वन डू यू रिमेंबर, आपको कौन सी पोएम याद है उसमें से? विच इज़ योर फेवरेट अमंग देम, उनमें से कौन सी आपकी फेवरेट है? डू यू रिमेंबर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या आपको याद है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम? डू यू नो इट हैज़ मोर लाइन्स देन यू रीड इन द नर्सरी क्लासेस, आपको पता है आपने नर्सरी क्लास में तो केवल 4 लाइनें पढ़ी थी, लेकिन उसके अलावा भी उसमें और भी बहुत सारी लाइन्स हैं, आपको पता है? तो चलो आज इस चैप्टर में, द स्टार वाले चैप्टर में, यही हमें पोएम्स की आगे की लाइनें भी बताई गई हैं। लेट सी द पोएम। देखो बहुत ही प्यारी सी पोएम है, छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत ही प्यारी है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हमारे लिए और भी इंटरेस्टिंग है। देखो लेट्स रीड द कंप्लीट पोएम हियर, आज हम यहाँ पर पूरी पोएम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यानी कि जो आप आसमान में जो छोटे छोटे से तारे होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल मीन चमकते हैं। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मुझे कितना अच्छा लगता है, मुझे कितना वंडर होता है, आश्चर्य होता है कि आखिर कितने छोटे छोटे से स्टार हैं, कैसे आकाश में चमकते हैं। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, इस पूरे वर्ल्ड में ये जो स्टार्स हैं ये वर्ल्ड से भी बहुत बहुत ऊपर हैं, बहुत बहुत हाई हैं, बहुत ऊंचे हैं, और वो ऐसे ही लगते हैं स्काई में जैसे कि एक डायमंड चमक रहा हो, एक हीरा चमक रहा हो आकाश में। व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, व्हेन नथिंग शाइन्स अपॉन, जब ब्लेजिंग सन यानी कि कड़कड़ाती धूप वाला जो सूर्य है वो चला जाता है, व्हेन नथिंग शाइन्स अपॉन, जब कोई भी और चीज़ें नहीं दिखाई देती है आकाश में, देन यू शो योर लिटिल लाइट, तब आप अपनी छोटी सी लाइट यानी कि छोटी सी चमक, हल्की सी चमक दिखाते हो, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, और पूरी रात चमकते रहते हो, ये स्टार्स को बोल रहा है। देन द ट्रेवलर इन द डार्क थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क, अब जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो राहगीर होते हैं, जो रात में डार्क में नाइट में निकलते हैं, उनको और कुछ तो दिखाई नहीं देता है, अगर आपकी चमक ना हो तो उनको तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो राहगीर वो जो रात में अपने किसी सफ़र के लिए निकलते हैं तो ये आपको थैंक्स करते हैं, क्योंकि आपकी चमक के कारण तो वो आगे का रास्ता देख पाते हैं। हाउ कुड ही सी वेयर टू गो, वो कैसे देख पाएंगे कि आगे कहाँ जाना है, इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अगर आपकी चमक धरती तक ना आए तो वो कैसे देख पाएंगे कि आगे कहाँ जाना है, रास्ता ही नहीं देख पाएंगे। चलो आगे देखते हैं पोएम में और क्या है। इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप ऑफन थ्रू माई कर्टन पीक फॉर यू नेवर शट योर आई टिल द सन इज इन द स्काई, अब डार्क ब्लू स्काई में जब आप रहते हो कई बार तो आप मेरे कर्टन में से भी, क्योंकि कर्टन बहुत पतला होता है तो ऐसा लगता है कि मेरे कर्टन यानी मेरे पर्दे में से भी आप झांक रहे हो। देखो यही सीन तो दिखाया गया है यहाँ पर, ऐसा लगता है जब आप आकाश में चमकते हो तो मेरे ब्लू ब्लू जो मेरा पर्दा है कर्टन है उसमें से ऐसा लगता है कि आप झांक रहे हो। फॉर यू नेवर शट योर आई, और पूरी रात ही चमकते रहते हो, कभी भी अपनी आंखें बंद ही नहीं करते हो यानी वहां से जाते ही नहीं हो। टिल द सन इन द स्काई, जब तक सूर्य आकाश में नहीं आ जाता है तब तक आप वहीं पर ही रहते हो। एज यू ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क, आपकी चमकदार और जो हल्की सी धीमी सी जो स्पार्क है, लाइट्स द ट्रेवल इन द डार्क, वो राहगीरों को डार्क में यानी अंधेरे में रास्ता दिखाती है, प्रकाश देती है, लाइट देती है। दो आई नो नॉट वॉट यू आर, अभी तक भी मैं ये जान नहीं पाया हूँ आखिर आप, इतना आश्चर्य है आप में कि मुझे पता ही नहीं चल पाया कि आखिर आप हो कौन। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, छोटे छोटे से चमकते सितारे, मुझे अभी तक आपके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाया है, मुझे बहुत ही वंडर होता है। चलिए ये पोएम हो गई हमारी फिनिश, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।